और जहां ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे हैं, मौके का जायजा उन्होंने लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। यार रेस्क्यू करने के लिए टीम आ चुकी है मौके पर। यहाँ पर आईजी और वाराणसी कमिश्नर समेत बड़े आला अधिकारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर। अगर भीड़ की बात करें, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि भीड़ दिखाएं, पूरा जो ये क्षेत्र है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है लोगों को बचाने के लिए। हालांकि पुलिस से पहले यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आ चुके थे, छतों पे से लोग देख रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है वो मैं कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं, ये जो महानगर बस है वो पूरे तरीके चपेट में आ चुका है। हालांकि यहाँ पर 5 के रान लगाकर हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से सफलता नहीं पा सके हैं ये लोग। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, यहाँ पे एनडीआरएफ और अन्य टीमें भी यहाँ पर आ चुकी हैं और अब रेस्क्यू जो है वो पूरी तरीके से, आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आई हैं और उसमें फंसे लोगों की लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। अभी किसी को भी यहां से जिंदा नहीं निकाला जा सका है। जी, कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। तो बेहद दर्दनाक स्थिति है और हमारे संवाददाता जो मौके पर पहुंचे हैं और अपडेट भी लगातार वहां से दे रहे हैं, तो सबसे दुखद बात जो इस हादसे की है वो ये है कि जो लोग भी हादसे का शिकार हुए उनमें से अभी तक किसी को भी बचाया नहीं जा सका है क्योंकि इतना भारी स्लैब गिरा है। आप गाड़ियों की स्थिति देखकर आप इंसानों की स्थिति का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा भी नहीं सकते आपको, जब गाड़ियों का ये हाल हो गया उसके बाद इंसानों का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है।